Dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today I Surbhi Kiroti, your science teacher, welcome you all in our SIMS school channel, that is SIMS Official. As you all know that we are studying the chapter 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. After discussing the weather, we will continue with the next topic, that is climate. मेटेरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मेटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एवरी डे मतलब डेली वेदर रिकॉर्ड करते हैं. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. वेदर की जो रिपोर्ट है उन्हें हम सेवरल डिकेड से प्रिजर्व करते आ रहे हैं, सेव करते आ रहे हैं. दीज हेल्पर्स टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस. अब हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा किसी भी प्लेस का वेदर पैटर्न को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. जो किसी भी प्लेस का एक लॉन्ग टाइम के लिए जो हम वेदर पैटर्न जो होता है, एवरेज वेदर पैटर्न जो होता है, जैसे 25 years तक हमने एक जगह का एक प्लेस का हमने वेदर रिकॉर्ड करा, ठीक है, वो उस प्लेस का क्या हो जाता है, वो क्लाइमेट हो जाता है. तो डेली की जो कंडीशंस होती है ना किसी भी एटमॉस्फेयर की, कहीं के किसी भी प्लेस के एटमॉस्फेयर की, वो वहाँ का वेदर होता है. और जब हम बहुत लॉन्ग टाइम का जो वेदर पैटर्न जब हम रिकॉर्ड करते हैं वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है. इफ़ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट. देखिए जब हम क्या होता है, जब वहाँ का टेम्परेचर किसी भी प्लेस का हम हाई रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, जैसे हमने हाई रिकॉर्ड कर लिया 25 ईयर्स तक, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे वहाँ का ज़्यादातर टाइम वहाँ का जो उस प्लेस का जो वेदर है वो हाई रहता है, ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. इफ़ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, और उसी प्लेस में जब ज़्यादातर रेनफॉल होती रहती है, ज़्यादा दिन तक रेनफॉल होती है, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि उस प्लेस का जो क्लाइमेट है ना, तब वो कैसा है, हॉट है और वेट है. इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ टू प्लेसेस इन इंडिया. देखिए आपको 7.2 और 7.3 में इंडिया के टू प्लेसेस की आपको वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन दी गई हैं. इसमें श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, एंड इसमें तिरुवनंतपुरम केरला. ठीक है, टू प्लेसेस की आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस गिवन है. द मेन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप्स. ना मेन टेम्परेचर किसी भी मंथ का टू स्टेप में हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ. सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उस मंथ का हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करना होगा, एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स. एक मंथ का करने जब हम करेंगे, ठीक है, पहले हम वन मंथ का करेंगे और उसके बाद हम काफ़ी सारे ईयर्स का करने के बाद उसका एवरेज निकालेंगे. सेकेंड दैट गिवन द मीन टेम्परेचर, इससे हमें वहाँ का मीन टेम्परेचर पता लगेगा. ठीक है, मीन टेम्परेचर आपको मीन निकालना तो आता ही है ना, पहले हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को आप माइनस कर देते हो ना, तो आपको मीन टेम्परेचर पता चल जाता है. द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला. ठीक है, इसमें देखिए आपको डेली का टेम्परेचर दिया गया है, मिनिमम डेली का मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर इनका आपने मीन टोटल रेनफॉल आपने गेस किया है, निकाला है. ठीक है, बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन इजली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला. देखिए अब आप टेबल को, दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दोनों के टेम्परेचर में आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा. देखिए जहाँ पे जनवरी में यहाँ पे 57 है ना, 22, सबसे पहले डेली का मिनिमम क्या है, -2.3 जम्मू एंड कश्मीर का, और यहाँ पे कितना है 22.2 केरला में, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 4.7, यहाँ पे मैक्सिमम देखिए कितना सारा है 31.5, टोटल रेनफॉल कितनी है 57, यहाँ पे टोटल रेनफॉल कितनी है 23. कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना दोनों के क्लाइमेट के बीच में. वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. है ना, उसी ईयर में जो हमने क्या देखा इस टेबल के थ्रू कि जो केरला का जो वेदर है, केरला का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड वेट है जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में. जम्मू एंड कश्मीर का वेदर कैसा है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट इतना नहीं है, है ना.
Similar data of for the western region of India, for example Rajasthan, we show that the temperature is high during most of the year. ना अगर हम वेस्टर्न साइड का जब हम इंडिया के वेस्टर्न साइड का जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तब हमें क्या पता चलता है कि जो राजस्थान है वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है. बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो. लेकिन जो विंटर्स होते हैं वहाँ पे वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, बहुत लो हो जाता है कुछ मंथ्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो विंटर्स हैं बहुत कम टाइम के लिए होती हैं. दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और आपको पता ही है कि वेस्टर्न रीजन में जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती हैं, है ना. दिस इज़ अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. इसीलिए राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, जो कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई. द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, है ना. नॉर्थ और ईस्ट इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल होती है. देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट. जो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है इंडिया का वो कैसा है, वेट है.